हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 और प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 और प्राइम, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपैरिजन करके हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या-क्या डिफरेंसेस थे, तो उसी को लेकर के है। तो यहां पर ईआरपी 9 की बात करते हैं, गोडाउन की बात करते हैं। जैसे आपका व्यापार बड़ा है और ऐसा हो सकता है कि आपके व्यापार के दौरान जो आपका सिटी में आप व्यापार करते हैं वहां पर आपने कई गोडाउन्स बना रखे हो, जहां पर आपके सामान जो भी गुड्स आते हैं वहां पर आप उसको रखते हो। तो ऐसे में पुराने वर्जंस में देखिए 5.0 है, तो इसमें क्या दिक्कत होती थी। यहां पर जब आप फीचर्स में जाएंगे तो यहां पर फीचर्स में जाने पर लाइक मैं यहां पे F11 प्रेस करता हूं, और जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा तो यहां पे देख सकते हैं ये यहां पर F11 मैंने प्रेस किया है। तो हमें जाना है इन्वेंटरी फीचर्स में, तो इन्वेंटरी फीचर्स में चलते हैं। यहां पर समस्या ये है कि यहां पर आपको गोडाउन नहीं दिखता है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी दिख रहा है, यस है, ठीक है। अलाउ जीरो वैल्यूज एंट्री दिख रहा है, मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस दिख रहा है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज दिख रहा है, मेंटेन बैच वाइज डिटेल दिख रहा है, यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी ये सब दिख रहा है, जॉब परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग और तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन गोडाउन नहीं दिख रहा है। अब ये गोडाउन ना दिखे पुराने वर्जंस में तो हम कहां से गोडाउन बनाते थे? आखिर टैली ईआरपी 9 यूज तो होता ही था, तो उसमें गोडाउन का ऑप्शन तो जरूर होना चाहिए। तो यहां पर आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस दिया हुआ है, इसको आपको यस करना है, ये यस होनी चाहिए। जैसे ही यस कर देंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर देखेंगे कि अगर आप वाउचर एंट्री पास करते हैं, लाइक परचेस वाउचर में एंट्री पास करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर आते हैं क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं, तो ये किसी भी एक क्रेडिटर पार्टी का हम लेजर लगा लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर परचेस अकाउंट का लेजर आ जाता है, आ गया। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक आइटम है, मैं बना भी लेता हूं, लाइक मैं यहां पे कर देता हूं कैरावे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहां पे यूनिट बनाना कंपलसरी है, तो केजी ग्राम कुछ भी बना लीजिए, तो चलिए हम केजी को ही रख लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहां पर जैसे ही एंटर करते हैं तो उस ऑप्शन को चालू करने का फायदा क्या हुआ कि यहां पर आइटम एलोकेशन फॉर कैरावे ये आ गया आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप अपना गोडाउन बना सकते हैं, ये गोडाउन ही है, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं न्यू कॉलोनी, ठीक है, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये गोडाउन हमने बना दिया, एंटर प्रेस किया। अब ये जाएगा किसके अंडर में, तो ये जाएगा देवरिया के अंडर में, तो ये देवरिया के अंडर में इसे डाल दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे क्वांटिटी कितनी रखेंगे, तो हम यहां पे 50 किलो रख लेते हैं, तो ये 50 किलो कर दिया और यहां पे रेट डाल देते हैं 300-400 जो भी रेट है, तो यहां पे 300 कर देता हूं और यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। और फिर कोई और गोडाउन अगर हमने बनाया होगा तो उसको भी ले सकते हैं, फिलहाल हम बनाते हैं, हमको पुराने गोडाउन से कोई मतलब नहीं। तो यहां पे मैं कर देता हूं राघव नगर देवरिया, ठीक है, ये हमने कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर ये जाएगा देवरिया में, ठीक है। इसी तरीके से गोरखपुर को आप चूज करते हैं तो कैसे कैसे एंट्री पास करेंगे वो भी दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी आपने रखा है 50 किलो, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर मान लीजिए गोरखपुर में जाना है, तो यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पे कर देता हूं मैं एंटर प्रेस किया। यहां पर आएंगे तो अब ये जाएगा गोरखपुर में, इस तरीके से आप करके, और इसमें भी आप काम कर सकते थे, ठीक है, बहुत इजी था इसमें भी। तो यहां 60 किलो रख देते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो गई है, अब इसको आप कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर लास्ट तक प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर से भी आप चालू कर सकते हैं। तो क्रिएट पे चले जाइए, ये शो मोड दिया हुआ है, यहां पे क्लिक कीजिए। यहां पे गोडाउन दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा कैसे, दिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लोकेशन दिया हुआ है यहां पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कहेगा क्रिएट न्यू, तो बस यहां पे नया गोडाउन बना डालिए। जैसे मैं कर देता हूं देवरिया और इसे डाल देता हूं मेन लोकेशन के अंतर्गत, ठीक है, यहां पे मेन लोकेशन दिया हुआ है। अगर किसी अदर गोडाउन में आप इसे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, एंटर प्रेस कीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। और एक्सेप्ट होने के बाद अब आप अनदर गोडाउन बना सकते हैं, जैसे देवरिया आपने बना दिया, अब यहां पे बना देता हूं मैं न्यू कॉलोनी, तो ये न्यू कॉलोनी कर दिया, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंदर देवरिया गोडाउन में, तो ये देवरिया कर दिया, एंटर प्रेस किया। फिर यहां पे दूसरा गोडाउन बना देता हूं राघव नगर, तो ये बना दिया राघव नगर इस तरीके से, और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर इसे भी डाल देंगे देवरिया गोडाउन में, ठीक है।
आई होप कि बात समझ में आ रही होगी गोडाउन कैसे बनेगा, मल्टीपल गोडाउन हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। अब जब आप एंट्री पास करेंगे यहां पर, तो ये चलता हूं मैं अभी परचेस वाउचर में, तो ये आ गया मैं परचेस वाउचर में, यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, एंटर प्रेस किया, ये वो डेट है जिस डेट पर होगी परचेजिंग। यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या करना है हमको, यहां पे क्रिएटर पार्टी का लेजर लगाना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे और यहां पर परचेस अकाउंट का लेजर लगाएंगे। अब यहां पर क्या-क्या चीजें आपके किस गोडाउन में रखनी है वो देख लीजिए। तो यहां पर जैसे ही कीबोर्ड मैंने लिया तो यहां लोकेशन कह रहा है, तो लोकेशन में क्या कर सकता हूं, देवरिया कर सकता हूं, और यहां पर देखेंगे तो यहां नीचे न्यू कॉलोनी भी आ रहा है, तो देवरिया के अंडर में है न्यू कॉलोनी, तो मैं यहां न्यू कॉलोनी कर देता हूं। यहां पे 60 आइटम जो है कीबोर्ड के रख रहे हैं हम। फिर यहां पर आते हैं तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि राघवनगर मैंने बनाया था, तो राघवनगर भी देवरिया के ही अंडर में है, तो यहां पर कर देता हूं 100 आइटम्स, तो ये 100 आइटम्स यहां पर रख दिया हमने, ठीक है। और इसी तरीके से आप रखते हुए चले जाएंगे और इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूं। अब तो इस तरीके से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपकी।